उसामा भाई ने कैसी रैपिंग की है पैकिंग में, ये देखिए गाइस, तो ये है टॉप्स जो मैंने लिए, ये उसामा भाई। उसामा भाई पैकिंग तो बड़ी अच्छी है जी इसकी। वाह, कैसा लगता है किसी को सरप्राइज दिया तो? वाकई मैंने दिया अपने मिसिस को। चले गाइस अभी चलते हैं, पैसे देते हैं भाई को और फिर चलते हैं घर को, घर में आपसे मुलाकात करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं काशी रस के ब्लॉग एक बार एक न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस आज का ब्लॉग शुरू करते हैं कुछ इस तरह। तो सो गाइस आज घर में बनेगी चिकन बिरयानी और वो मेरी मिसेज अभी रेडी कर रही है, वो आपको दिखाता हूँ बिरयानी किस तरह बनाती है वो चिकन बिरयानी तय वाली तय वाली। तो हम चलते हैं किचन के पास तो आपको दिखाते हैं वहाँ पर, आप ज़रा सा इधर। तो गाइस ये देखें, ये हैं अभी प्याज कट रहे हैं यहाँ पर और इसके अंदर अभी चावल डाल दिए हैं, चावल अभी बॉईल हो रहे हैं। ठीक है गाइस, इस तरफ ये सालन बनेगा ये चिकन का, ताकि ये मिक्स हो के इसके अंदर बिरयानी में डलिए। और ये मिक्सचर बनाया है दही के साथ मसाला बिरयानी, बम्बई बिरयानी मसाला। इस तरफ टमाटर। तो सो गाइस अभी बिरयानी बनेगी तो फिर आपको दिखाते हैं बिरयानी कैसे बनाएगी मेरी मिसिस। तो ये मैं अपनी मिसिस के मोबाइल से व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में ऑटो मेमोरी हो चुकी है, बहुत कुछ उसके अंदर डेटा अपलोड हो चुका है और वो डिलीट नहीं हो रहा। तो वो जाएंगे भी यूएसबी में, इसको कन्वर्ट करेंगे, डेटा यूएसबी में करेंगे कन्वर्ट, फिर उसके बाद अपने मोबाइल को रीसेट किया जाएगा, फिर बनेंगे मेरे चलो भाई। तो सो गाइस अभी चावलों में से पानी निकाल रहे हैं। ओहो ये चावल अच्छे नहीं है, लंबे लंबे हाँ। मैंने उससे पूछा भाई मुझे चावल चाहिए लंबे वाले, तो उसने मुझे कहा कि 360 वाले हैं वो चावल ले। तो गाइस ये चावल अभी उन्होंने पानी निकाल दिया चावल में से, तो ये देखिए सर तो बहुत गर्म है, ये तो सूरज की भी किरणें आ रही है, देखिए सूरज शेड आ रहा है, हमारा शेड आ रहा है। तो अभी डलेंगे कुकिंग ऑयल में जान वाला, मुझे लगता है लाइट आ चुकी है, लाइट के चक्कर में ऑयल भी ज़्यादा चला जाए। प्याज भी डल चुके हैं अभी ये ब्राउन होंगे, हर जगह से तो हवा आती है, मैं क्या करूं। तो टमाटर भी कट चुके हैं और अभी प्याज के ब्राउन होंगे तो फिर इसके अंदर टमाटर भी डालेंगे। तो फ्रिज के अंदर ये हमारा केक भी बड़ा, ये चिकन भी आ चुका है, फ्रिज खाली खाली नहीं है अभी भी जाएंगे ना फ्रूट लेके आएंगे, तो फ्रूट में भी लेके आएंगे। तो आज एक हमें अभी वो भी लेके आनी है वॉशिंग मशीन भी लेके आएंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन हम लोग अपनी नहीं लेके आएंगे मशीन वॉशिंग मशीन। तो भाई वो भी अभी चलेंगे वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे, अगर वॉशिंग मशीन पसंद आएंगे चिकन आप डालें, कितने डाली हैं आपको बताना चाहिए ना। सो पीस बड़े बड़े नहीं किए सही है, बाकी उसमें कबाब बनाओगे उसमें डाल देंगे सही है। ठीक है बहुत है हमारे लिए, हमने ले लिया इतना, बाकी हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया और इस तरफ ये ना थोड़ा सा मैं भी करूँगा इसको है, आज मेरी छुट्टी है संडे है ना, तो इसलिए छुट्टी है तो घर के काम भी करने पड़े थे थोड़े बहुत, बना तो मेरी मिसेज ही रही है बिरयानी। तो अभी मैं बनाऊंगा सैलेड और साथ में रायता होगा और बिरयानी का भी टाइम थोड़ा सा लगेगा। चलो गाइस अभी बनाते हैं रायता वगैरह और सैलेड काटते हैं, ताकि वो भी सैलेड का जो भी अंदर दिया जाए फ्रीजर के अंदर, फ्रिज के अंदर, मैं फ्रीजर कह रहा हूँ फ्रिज के अंदर। गाइस तैयारी होना शुरू हो चुकी है, प्याज ब्राउन हो गए हैं, टमाटर भी डल गए हैं, ज़्यादा ही ब्राउन हो गए। मिक्स करते हैं।
खाना मसाला जाएगा। देखिए मछली लगेगी ना, अभी इसको भुनेंगे मसाले को पूरा। ये कैसे, ये कौन सा स्टाइल है पूरा? मेरी मिसेज बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है और चाय वाली आई। वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो गाइस अभी बिरयानी की तह लग रही है, लग गई। मैं लेट आया हूँ, तो ये रखिए सालन था। वाओ चावल कितने के लिखने लग रहे हैं ना, अभी और हो जाएंगे जब दम से हटेंगे ना। एकदम लगेगा तो जब पूरी कंप्लीट होगी फिर आपको दिखाते हैं। ये बिरयानी देख वाली, अरे वाह, मेरा छोटा मास्टर शेफ, मेरी बेगम, क्या बात है आपकी, ऐसे खाने मिलेंगे तो पेड़ तो ऑलमोस्ट बाहर आएगा ना, ऐसा ही है। थैंक यू सो मच, मेरी मिसेज इतनी अच्छी कुकिंग करती है और मुझे अच्छे अच्छे खाने, थैंक यू। अभी चलते हैं खाना खाते हैं और फिर चलते हैं कहाँ पर हम लोग ने, आयशा मंजिल, वहाँ पे क्या ले करेंगे। बिरयानी आ चुकी है, साथ में सैलेड रायता, तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। अभी खाते हैं पानी में अंदर रखा मैं नीचे, तो गाइस अभी खाते हैं बिरयानी। हाँ मैं कोई मसला नहीं, तो पहले करते दो दिन से मेडिसिन खा रहा हूँ, थोड़ी बहुत पेन होती है मगर पेन रुक जाती है। हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं आयशा मंजिल पे और हम लोग यहाँ से लेंगे अपने लिए एक वॉशिंग मशीन। पहले विजिट कर लेते हैं क्या प्राइस है, क्या रेट है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पे हम लोग वॉशिंग मशीन लेंगे। अभी मेरी मिसेज अंदर चली गई है और अभी मैं भी अंदर चलता हूँ, मैं आयशा मंजिल के रोड पर खड़ा हूँ। ये अरेकल सबसे बड़ी मार्केट है, फिर उसके बाद ये हमारी आयशा मंजिल की जो बहुत बड़ी मार्केट है, मैं आपको इस तरह व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए आयल इलेक्ट्रॉनिक, अभी पहले यहाँ पर मेरी मिसेज विजिट कर रही है तो मैं अभी यहाँ पर हूँ और इस तरह बहुत बड़ी दुकानें हैं यहाँ पर। तो चलो गाइस चलते हैं अभी आयशा मंजिल दुकान के अंदर और वहाँ पर जाके देखते हैं वॉशिंग मशीन, अगर कोई मिलती है तो फिर यहाँ से परचेज कर लेंगे। देखते अभी हम लोग आयशा मंजिल से आए थे वॉशिंग मशीन लेकर, तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैंने अपने मिसेज को सरप्राइज देना था बर्थडे का, तो मैंने फाइनली अपनी मिसेज के लिए टॉप्स दिए खानों वाले और 10,000 के लिए हैं और बड़े अच्छे प्राइस में दिए हैं भाई ने। थैंक यू सो भाई ने, आपका शुक्रिया दिए भाई ने जी, ये बड़े अच्छे प्राइस में दिए हैं। तो ये शॉप है भाई की, शॉप का नाम क्या है? अलियान ज्वेलर्स। अलियान ज्वेलर्स शॉप है और ये आपको पड़ेगी लियाकाबाद में और बिल्कुल नियर सुपर मार्केट के नियर है, तो वहाँ पर आप आ सकते हैं। मेरे रेफरेंस से भी आ सकते हैं, काशिक से भी, मेरा नंबर मैं आपको इनबॉक्स में अपना दे दूँगा और मुझे कमेंट करने का मैं आपको बता दूँगा जिस किस जगह वो लोकेशन है। तो यहाँ पर आना भाई के पास से, ये भाई का क्या नाम था? उसामा भाई, उसामा भाई के पास आइएगा। ये मैंने लिए हैं 10,000 के, ठीक है, अच्छे प्राइस में मिले मुझे। तो आपको पता है कि सोने की कीमत वैसे भी बढ़ चुकी है और फिर भी हमें अच्छे प्राइस में मिल चुका है। तो सो गाइस अभी चलते हैं घर पर, तो घर पर अपनी मम्मा लोगों को दिखाते हैं, अपनी फैमिली को दिखाते हैं, फिर वहीं का ब्लॉग खत्म करें।